किसान भाइयों, ये हमारा जे सीरीज मैसी 245 DI है। इसमें मैंने कई बार एक प्रॉब्लम बताई आपको, सिलो पर हंटिंग करता है लेकिन इसका इलाज कंपनी तो नहीं कर पाई, लेकिन एक प्राइवेट मिस्त्री मिल गया। मैं बिजनौर में एहरोला गांव गया था, वहाँ एक चौधरी साहब हैं, उनके पास 3 मैसी हैं और उन्होंने कोई मिस्त्री है बिजनौर का, उसने उसकी हंटिंग बंद कर दी है। मैंने वो स्टार्ट करके भी देखा, अभी मेरी उससे बात नहीं हो पाई मिस्त्री से। मैं उसको बुलाऊंगा और ये हंटिंग ठीक कराऊंगा। वैसे ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, चलने में कोई दिक्कत नहीं, काट बहुत बढ़िया है इसकी, थोड़ी सी जगह में घूम जाता है क्योंकि लंबाई घटा दी घुमावदार एक्सेल की वजह से, इससे बहुत अच्छा है। ये 3 सिलेंडर में आता है भाइयों, 50 HP बताया गया। पहली बात तो यह है, ये जब हमने ट्रैक्टर लिया इसकी आज तक बुक नहीं मिली, 245 जिसका ये बाईं तरफ साइलेंसर है 46 HP वाला, उसकी तो किताब मिलती है, इसकी किताब आज तक कंपनी ने हमें नहीं दी। ये इन्होंने 5245 का इंजन इस पर रख दिया, इसकी आज तक अब बन गई होगी तो मैं कहता नहीं, हमें तो वो बुक नहीं मिली जो इसकी जेन्युइन होनी चाहिए। नीचे पायदान है, एक बार कंपनी वालों ने कहा था, मेरठ में प्रोग्राम था, चेन्नई से मद्रास से वो आए थे इंजीनियर वगैरह, कि इसका किट मिल रहा है 11,000 रुपये का, और वादे भी हुए लेकिन कुछ डीलरों ने कंपनी को ये शिकायत की कि अगर हर किसान अपने नीचे पायदान को ऊंचे कर लेगा तो हमारे नए ट्रैक्टर बिकने बंद हो जाएंगे, तो कंपनी ने वो बात गोलमोल कर दी और किट देने से मना कर दिया। फिर मैंने भी बात की तो उनको मिट्टी गोली दे दी, उनको बहुत झंझट पड़ेगा, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, ये है वे है, तो ताकि किसान ने ये खरीदता रहे। खैर कोई बात नहीं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे पायदान ही ठीक है। बाकी इस ट्रैक्टर की बुराई तो ये है कि इसमें भीड़ है, चौड़ाई कम है, यहाँ बैठने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और अच्छा ये है कि इसकी स्टीयरिंग की सेटिंग बहुत बढ़िया, जब ड्राइवर बैठ के चलाता है इसकी सेटिंग ऐसी है कि जैसे गाड़ी चला रहे हो, चलने में बहुत अच्छा लगता है, स्पीड बहुत अच्छी है भागने की, बहुत तेज़ भागता है सड़क पर और गंदगी भी कम लगती है। भाइयों ये बम्पर हमने मवाने में सरदार जी का बनवाया था, ये 4500 या 5000 के लगभग बना था, अगर किसी को बनवाना हो तो ये मवाने में बिजली घर के सामने सरदार जी हैं, आप उनसे संपर्क कर लें, मैंने कई वीडियो में उनका नंबर भी डाल रखा है। क्योंकि जैसे मिल में गन्ने वगैरह ले जाते हैं तो कोई बुग गिनाट जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा है, वरना जाली टूटने का डर रहता है, एक बार आगे से 100 बिगड़ जाए फिर दोबारा ठीक नहीं हो पाती। बाकी इसका डीजल खर्च कम है और के मुकाबले, वेट हमने इसलिए उतार दिए इसके जो 70 किलो के वेट है 35-35 किलो के, क्योंकि गन्ने तुलवाने में फिर 2 पुली गन्ने बचते थे, इसलिए हमने वेट उतार दिए गन्ने डालने की वजह से। हिच सही है, बहुत कम उठता है ट्रैक्टर ट्रॉली में, महिंद्रा के मुकाबले कम उठता है, महिंद्रा में जो है हिच अलग से बनवाना पड़ता है तब वो बैलेंस मापता है, जहाँ कंपनी ने हिच दिया है वो थोड़ा ऊंचाई पे है, इसका बिल्कुल सही बैलेंस है। बाकी ट्रैक्टर गर्म नहीं होता, चाल अच्छी है, आलू बुआई के लिए ये ट्रैक्टर बिल्कुल बकवास है क्योंकि इसमें हंटिंग होती है और मशीन में कंपन होती है, मतलब झटका लगता है। हाँ जो आजकल मशीन आ रही है नए मॉडल की जो तेज़ चलती है उसके लिए तो कामयाब है, लेकिन जो ओल्ड मॉडल मशीन है ना जहाँ आलू रखते हैं लेबर, उसके लिए बेकार है। मैंने एक चलते हुए की वीडियो बनाई थी क्योंकि ये हंटिंग है, इसकी पूरी स्लो पर नहीं चल पाता, मैं सच बोल रहा हूँ, जहाँ अच्छी बात है अच्छा ही बताऊँगा, बुरी बात है तो बुरा ही बताऊँगा। इसमें जो 245 46 HP का आया है वो ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें भी एक शिकायत बताई लोगों ने, 5 गियर की वजह से गियर बॉक्स में आवाज़ बन गई, वो भी एक प्रॉब्लम है। पता नहीं कंपनी इतने गियर क्यों बढ़ाती जा रही है, गियर तो वे 7 मैसी के 3 सही थे,
तीन गियरों लोहाइयों करारी भी कम लगेंगी और चलाने वालों को आराम रहेगा। फिर चार कर दिए, चलो वे भी अच्छे। फिर पाँच कर दिए, अब इतनी जगह तो इसमें है नहीं जितनी इन्होंने गियर बना दिए। फिर घें घें की आवाज़ तो होनी है, बाकी कंपनी जाने क्यों इतने गियर बना रखे हैं। तो भाइयों एक चीज़ और है, एक टंकी में जाली दी है यहाँ, एक टी जो होती है जहाँ नीचे लगी हुई, उसमें मोटरसाइकिल की तरह इतनी बारीक जाली दी है प्लास्टिक की, वो अट जाती है। कई बार ऐसा हुआ ये चलता हुआ लोड पे पटर पटर करता था, हमें वो जाली निकालनी पड़ी। तो वो जाली भी जो है वो सही नहीं है, उसे भी थोड़ा चेंज किया जाए। मीटर सही है, एयर भी ठीक है, बाकी तो चलने वाला है। एक और है, हाँ ये जो जंजीरें देखो पूरी टाइट करने के बाद भी ये हल्की है, रोटावेटर पे मरोड़ जाती है, तो थोड़ी सी इसकी चूड़ी बढ़ाई जाए। ये साइड की सपोर्ट है, क्या वो पिन डालने वाला जरा स्वराज में सोनालिका में दिया है साइड में, वो सिस्टम लगाया जाए ताकि इसकी लिफ्ट ना हले, क्योंकि रोटावेटर पे ये बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए ना कि हलनी चाहिए। हम रोटावेटर चलाते हैं तो एक तरफ को मरोड़ी आती है जिस पर चकोरों पर प्रॉब्लम आती है। कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट में कहा था जी इसकी चूड़ी बढ़वा लो, अरे हाँ अगर हम ये सुधार करेंगे तो फिर कंपनी क्या करेगी। ये तो कंपनी को सोचना है ना कि हमारे में कहाँ कमी है, तो कंपनी ये सुधारे ज़रूर। तेरह के टायर सही हैं चौदह के टायर के मुकाबले, क्योंकि किसान को खेत में गन्ने की बुआई करनी है, आड़ू की खुदाई करनी है, तो तेरह के टायर ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि इस ट्रैक्टर से हमारे पश्चिमी यूपी में कोई किराया तो पड़ता नहीं अपने काम के लिए, तेरह के टायर ही अच्छे हैं टायर इसके। लंबाई सही है, ताकत बहुत है, बस हंटिंग है। अगर कंपनी इसका इंजन चेंज कर दे, कोई और इंजन लगा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसान को ऐसी चीज़ दे, ऐसी आवाज़ दे जैसी स्वराज की फार्म ट्रैक की, जो हंटिंग बिल्कुल नहीं होती, बहुत गजब आवाज़। जैसे मैसी सादा मैसी है 35, उसमें हंटिंग नहीं है, 241, 1035, ये ट्रैक्टर बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत कामयाब हैं। सिर्फ इसी मॉडल में हंटिंग आई है, वो भी 50 SP वाले में, जिसका ड्राइवर के राइट साइड में साइलेंसर है, जिसका लेफ्ट साइड में उसमें हंटिंग नहीं है। तो कृपया कंपनी ध्यान दे, हर चीज़ को टेस्ट करके तब किसानों के पास लाए, ताकि कल को किसान परेशान ना हो। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नमस्कार।